बस तो ना कांग्रेस के राज में चली ना बीजेपी के राज में चली। कृषि के लिए भी नाव मात्र ही पानी है, अगर नहर वगैरह नहीं आई तो साल दो साल में ये भी खत्म हो जाएगा। यातायात की तो पूरी समस्या, भारी समस्या। मैं हूँ नरेंद्र कुमार, आज आए हैं हम राजस्थान के किशनगढ़वास विधानसभा के पाटन अहिर गांव में। यहाँ की सड़कों का हाल देखकर ऐसा लगता है ना जाने कितने साल हो गए विधायक, मंत्री और नेताओं को आए हुए। तो यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनके मुद्दे क्या हैं, वो किन मुद्दों के ऊपर अब की बार वोट करेंगे? हम क्या आपका सर? जय सिंह जी। जय सिंह जी, अब की बार रीट की भर्ती हुई, सेकंड ग्रेड टीचर की भर्ती हुई, आप किस तरह देखते हैं इन भर्तियों को? सर ऐसा है कि जो जितनी भी भर्तियाँ हुई है सब में बहुत धांधली हुई है, बिल्कुल भी बहुत सारी मेहनत करते हैं बच्चे लेकिन उसके बाद पेपर लीक हो जाते हैं। हम कांग्रेस सरकार से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है क्योंकि बिल्कुल पारदर्शिता के साथ ना तो पेपर हो पाते हैं और फिर उससे पहले ही पेपर लीक हो जाते हैं, इसलिए युवाओं को काफ़ी समस्याएं सामना करना पड़ रहा है और बहुत सारी तैयारी करने के बाद भी उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही है, इसलिए हम कांग्रेस सरकार से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है जी। मुद्दे क्या हैं अपने गांव के? हमारे गांव के मुद्दे यही है, ये सारे रोड खराब हो रहे हैं, पानी भर रहा है, गड्ढे हो रहे हैं, ये रोड सही हो जाए, ये हमारे मुद्दे हैं। लाइट नहीं आती है, 5 घंटा लाइट देते हैं उसको भी कम से कम 20 बार काटते हैं, किसान परेशान हैं, युवा परेशान हैं, पेपर होते हैं लीक हो जाते हैं, युवा बेरोजगार हो रहे हैं, आत्महत्याएँ कर रहे हैं, और जो जीएस निगम के रेट है वो नहीं है, यहाँ पर बाजरा 1800-1900 बिक रहा है, निगम का रेट 2200-2300 है। तो हमारे यहाँ काफ़ी मुद्दे हैं, हम कांग्रेस से संतुष्ट नहीं हैं। ना ही कांग्रेस से संतुष्ट हो और ना ही प्रशासन से संतुष्ट हो आप? आप ये बताइए, ये जो पाटन अहिर गांव है यहाँ पर कृषि के लिए जो जल उपलब्ध होता है तो लगभग कितने फुट या कितने मीटर के नीचे अपन को पानी मिलता है कृषि के लिए? 150 फीट नीचे पानी है, पानी की समस्या है, हेडपम्प लगभग गांव के सारे फैल हैं, और जो वाटर सप्लाई की जो मोदी वाली लाइन थी ये भी अभी हमारे यहाँ चालू नहीं हुई है, पानी से आम पब्लिक त्रस्त है। कृषि के लिए पानी अभी उपलब्ध है या नहीं है? कृषि के लिए भी नाव मात्र ही पानी है, अगर नहर वगैरह नहीं आई तो साल दो साल में ये भी ख़त्म हो जाएगा। पिछली बार वसुंधरा राज्य सरकार ने एक ERCP की योजना बनाई थी जिसके तहत चंबल नदी का पानी पूर्वी जिलों जिसमें अलवर जिला भी शामिल था, वो चंबल का पानी आना था। तो राजस्थान जोधपुर से जो कि जल मंत्री हैं गजेंद्र सिंह और एक बाड़मेर से जो कि कृषि मंत्री है, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने किशनगढ़वास विधानसभा में चंबल का पानी लाने के लिए कुछ नहीं किया, जबकि वसुंधरा सरकार की ही योजना थी ये। वो प्रक्रिया चल रही थी, सरकार बदल गई, कांग्रेस ने उस पर बैन लगा दिया, वो बंद होगी, अब आगे सरकार चेंज होगी तो पानी आएगा, हमें उम्मीद है कि नहर का पानी आएगा। आपका कहना ये है कि कांग्रेस पार्टी ने अड़ंगा डाला है? हाँ, बिल्कुल। जो भी था ITI बननी थी कोट कासिम, वो इन्होंने बंद कर दी, खैरतल में और ब्रिज बनना था वो बंद कर दिया, सब कुछ जो भी काम थे BJP के वे सारे कांग्रेस ने बंद कर दिए और हम कांग्रेस से संतुष्ट नहीं। गांव में बसों की स्थिति क्या है? क्योंकि मैं यहाँ जब से देख रहा था तो बसें बिल्कुल नहीं थी, जो बसें आ रही थी वो स्कूलों की आ रही थी, लेकिन गांव में ये जो पड़ोस में गांव पड़ता है तिगांव, इससे क्या कोई साधन या कोई बस सरकारी कुछ आता है या नहीं? ना कोई सरकारी बस है, ना कोई प्राइवेट बस है, ना कोई हरसोली से बिबरानी बस है, बसों से परेशान है पब्लिक, धक्का खाती डोलती है, छोटी मोटी गाड़ियों में जाते हैं, भीड़ भड़ाका से कहीं गिर जाते हैं, कोई रोडवेज बस भी नहीं है अपनी इस रोड पर। अच्छा, अब की बार आप जो तत्कालीन विधायक चुनोगे उससे आप अपने गांव में किन किन मांगों को रखोगे? सबसे पहले तो रोड की मांगे रखेंगे, सीवर लाइन नहीं है वो दबवाने की मांगे रखेंगे, और प्लस जो पानी की समस्या है वो रखेंगे। पानी और सड़क का मामला प्राथमिकता होगी आपकी? सर नमस्कार, नाम क्या आपका? रविंदर नाम है। रविंदर जी, रविंदर जी आपके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं? समस्याएं तो भाई साहब काफ़ी हैं, बताओ कुछ दो चार। अब मूलभूत समस्या आप सड़क की देख रहे हो पहले तो, दूसरा हमारा किसान प्रधान गांव है, लगभग 80% लोग किसानी करते हैं, किसानी के लिए कुछ भी नहीं है भाई साहब। मेन समस्या तो हमारे बिजली की है, पानी से मतलब क्या बिजली से संतुष्ट नहीं है, 4-5 घंटे बिजली आती है मात्र। और कोई समस्या हो जैसे बस की? यहाँ कोई बस नहीं चलती है इस गांव में। बस तो ना कांग्रेस के राज में चली ना बीजेपी के राज में चली, किसी के राज में नहीं चली, ना तो कांग्रेस का MLA अच्छा है ना बीजेपी का अच्छा MLA, कोई काम नहीं कराता है। अच्छा, अब की बार किशनगढ़वास विधानसभा में त्रिकोणीय समीकरण रहेगा या फिर आमने सामने की लड़ाई होगी? भाई साहब त्रिकोणीय तो नहीं कह सकते, आमने सामने की लड़ाई है।
किस किस के मध्य होगी आमने सामने की लड़ाई? आमने सामने की लड़ाई भाई साहब दोनों राष्ट्रीय पार्टियां उनके मध्य है और मैं तो ये मानता हूँ बीजेपी काफ़ी आगे है। बीजेपी काफ़ी आगे है। और भी हमारे साथ एक बुजुर्ग है दादा, राम राम। राम राम भाई। पेंशन मिल रही है? पेंशन भाई कई महीने ना आ रही है भाई। टाइम पे ना मिले? वैसे मिले तो है ना। मिले तो है। कितना रुपया मिले? 1000 रुपये मिले भाई। तो अब तो बढ़ा दिया, गहलोत जी ने वोट दोगा? हाँ देंगे वोट तो, बढ़ाओ जब भी वोट तो देंगे भाई। कहने दोगा वोट? गहलोत ने देंगे और कहने देंगे। चलो तो बाबा तो कांग्रेस को वोट देंगे। बाबा क्या मुद्दे हैं आपके गांव के, सरकार से खुश हो अशोक गहलोत की से या नहीं हो आप? भाई गांव का मुद्दा तो घना ही, एक तो मुख्यालय पंचायत दाना लेने भी बिरानी जावा गोदाम को ना ले भी जाए कोई बड़े दाना ले ले, 2 घंटा बैठो साधन नहीं। सबसे यातायात की तो पूरी समस्या, भारी समस्या है। विशेष परेशानी आपको यातायात की है? बिल्कुल है। और कोई समस्या भाई? और तो जैसे चल रहा है चल ही रहा है भाई समस्या तो, अब मैं गिनवान बैठू कितनी है बाकी, जो ये सबसे मुख्यालय बड़ी समस्या है। मैं गेहूँ लेने जाता हूँ वडा से लिया गोदाम वड़े ना। सहकारी जो दुकान है आपके गांव की वो बिबिरानी में है जो कि यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर दूर है। अच्छा वोट किसको दोगे अब की बार? वोट तो बीजेपी का जाएंगा और क्या जाएंगा। अच्छा बीजेपी ने ऐसे क्या घूटी पिला दी जो आप बीजेपी बीजेपी हो रही है? पुराने विधायक वो जीत रहे हो, राम वोट डाका तो वोट ही को समझा ना।